नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे टी चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपने यूपी टेट 2021 का जब एग्जाम दिया, उसके बाद आप पास हो गए। और पास होने के बाद आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि आपकी जो मार्कशीट है वो आपको कब मिलेगी। तो बहुत लंबा समय हो चुका है, आपको मार्कशीट अभी तक वितरण नहीं की गई थी। अब ये मार्कशीट आपको फाइनली वितरण करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आपको ये मार्कशीट कहाँ पर मिलेगी, आपको क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने पड़ेंगे, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जितने भी आपके सवाल हो सकते हैं आपके दिमाग में, उन सभी के आंसर्स भी मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपके हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो पाए और आप अच्छे से इसको समझ पाएं कि किस तरीके से हमको मार्कशीट को लेना है। ओके, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, उसकी स्थिति में आपको क्या करना है, ये भी मैं इस वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। ओके, और मैं आप सभी लोगों से ये विनती करूंगा कि इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो यहाँ से डालूँ तो आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट आपको सभी चीज को समझाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका नोटिस था और इस नोटिस के माध्यम से आपको क्या बताया गया और कब तक आपकी जो मार्कशीट है उसको वितरण करना प्रारंभ रखा जाएगा और कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो आप यहाँ पे सब कुछ देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रेषक प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। तो ये लखनऊ से यहाँ पे प्रेषित किया गया है। आप अपने जो डाइट है उसमें जाकर के आप यहाँ पे ले पाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे आपको हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। देखिए लिखा हुआ है, सेवा में प्रबंधक प्राचार्य समस्त निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। तो सभी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों से ये बात की गई है। और देखिए कहा गया है, इसमें आप पूरा पत्र देख सकते हो। इस पत्र में जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए लिखा हुआ है, पत्रांक डाइट 3004/2023-24 और यहाँ पे 3/10/2023 को ये यहाँ पे आपका नोटिस था। विषय क्या है देखिए, तो देख सकते हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर के अहर अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र यहाँ पे वितरण करने के संबंध में ये जानकारी दी गई है। यानी जो आपका मार्कशीट है उसको वितरण करने के लिए ये चीज कही गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के उच्च प्राथमिक स्तर के अहर अभ्यर्थियों, यानी जो एलिजिबल थे, जो पास कर गए थे उस एग्जाम को, का शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र जिनका परीक्षा केंद्र जनपद लखनऊ में आवंटित था, यानी लखनऊ में जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया था उन सभी लोगों का जो आपका प्रमाण पत्र है तो वहीं पे मिलने वाला है। कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये लखनऊ में जा चुके हैं आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक, देखिए आप देख सकते हो दिनांक कितने से, 9/10/2023 से और 14/10/2023 तक आपका, तक किसी भी कार्य दिवस में, यानी किसी भी मतलब जिसमें ये ओपन रहते हैं उसमें आप जाकर के यहाँ पे अपनी जो ले सकते हो। संस्थान से परीक्षा कक्ष संख्या दी है, कक्ष संख्या भी यहाँ पे दी गई है कितनी, 21 में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र करने हेतु अहर अभ्यर्थियों द्वारा ही दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो कौन कौन से जो एलिजिबल थे, जो पास कर गए, तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रवेश पत्र एवं रजिस्ट्रेशन के साथ भरे गए फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति। तो आपको यहाँ पे अपना प्रवेश पत्र ले जाना है, जिससे आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया था, जो एडमिट कार्ड था उसको आपको ले जाना है। जब आपने एग्जाम दिया था यूपी टेट का तो वो एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। और लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति, तो यहाँ पर जो फोटो पहचान पत्र था उसको आपको ले जाना है। नवीन आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, देख सकते हो यहाँ पे, और शैक्षिक योग्यता संबंधित अंक प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर पत्र स्वयं प्रमाणित छात्रवृत्ति ले जानी, मतलब खुद से आपको प्रमाणित करना है। और भी जिसके जो मेन डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो देखते रहिएगा पूरा।
तो देखिए उक्त के क्रम में आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि अपने विद्यालय के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे संबंधित अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र संस्थान से प्राप्त कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है, आप देख सकते हो कहाँ से ये आपका डाइट जो है वो आप देख सकते हो, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, लखनऊ की डाइट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ये पब्लिश किया गया था। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपने एग्जाम दिया हुआ है वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट से संपर्क करना है और उनसे पूछना है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपका वितरण प्रारंभ हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप जरूर से पूछ लीजिएगा उन लोगों से, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आप एक बार डाइट पे चक्कर लगाइए और वहाँ पे इस चीज़ के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये वितरण हो सकता है आपका इसी डेट के मध्य में स्टार्ट हुआ हो, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, परंतु आपको संपर्क करके जरूर से आना है। और मैं अब देखिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस दिमाग में उठ सकते हैं उनके बारे में बात करूंगा, आपको पूरा मार्कशीट भी दिखाऊंगा किस तरीके से जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी आई हुई है, सब कुछ मैं इसमें जानकारी देने जा रहा हूं। तो अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, आपके हर एक क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा तो लिखा हुआ है मार्कशीट कहाँ पर मिलेगी। तो मार्कशीट कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में आपने एग्जाम नहीं दिया, मतलब आपका जो सेंटर था वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर पड़ा हुआ था, आपने किसी कारण बस दूसरा भर दिया था, आपको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटर आगरा में आपने पेपर दिया था, एग्जाम्पल के लिए आगरा में आपने पेपर दिया था, तो आपको जो मार्कशीट मिलने वाली है वो आगरा की डाइट पर ही मार्कशीट मिलेगी आपको, चाहे फिर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपने जहां पर भी एग्जाम दिया है यूपी डाइट का उसी की डिस्ट्रिक्ट में आपको, उसी की डिस्ट्रिक्ट की जो डाइट है वहां पर आपको ये आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में तभी प्रमाण पत्र मिलेगा जब आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम दिया हो यूपी टेट का। तो ये चीज आपको याद रखना है, आप ऐसा मत करिएगा जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए जैसे बरेली से हैं, ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि बरेली से हैं और आपने एग्जाम मान लीजिए कि आपने आगरा में दिया हुआ है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है, तो आपको बरेली की डाइट पर आपको जो मार्कशीट है वो नहीं मिलेगी, आपकी जो मार्कशीट मिलेगी जहां पर आपने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी जो मार्कशीट है वो कहाँ पे मिलेगी। ओके, नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैंने आपने ये दिमाग से खुद क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि आपके ये डाउट हो सकते हैं और आपके अलग कोई से डाउट होते हैं तो आप जरूर से हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ क्या प्राइमरी और जूनियर दोनों की मार्कशीट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जूनियर की आपको मिल रही है, जूनियर मतलब 6 से लेकर के 8 तक वालों की यहाँ पे मार्कशीट को यहाँ पे इशू किया गया है, मतलब वो वितरण करना प्रारंभ कर दिया गया है। अभी आपका प्राइमरी यानी 1 से लेकर के 5 तक वालों की जो मार्कशीट है वो अभी आपकी नहीं मिल रही है। ओके, तो 6 से लेकर 8 तक में जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो डीएलएड के हों चाहे वो बीएड के हों, किसी के भी हों, वो दोनों लोग जाकर के यहाँ पे मार्कशीट को ले सकते हैं, ठीक है। चाहे वो डीएलएड के हों चाहे वो बीएड के हों, दोनों लोग यहाँ पे जाकर के अपनी मार्कशीट को अपनी डाइट से जहां पर उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वहां से आप जाकर के इसको ले पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, लिखा हुआ है प्राइमरी की मार्कशीट क्यों नहीं मिलेगी। तो इसका कारण क्या है, प्राइमरी मार्कशीट क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी आपका केस चल रहा है, जिसमें आपको बताया है बीएड और बीटीसी वाला केस, जो बीएसटीसी, देखिए राजस्थान से ये गया था, बीएसटीसी वर्सेस बीएड का आपका केस चल रहा था, जिसमें आपका जो फैसला था वो 11 अगस्त 2023 को आपका फैसला आया था, जिसमें प्राथमिक से आपके बीएड वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जोधपुर हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उस पर ही मोहर लगाते हुए यहाँ पे बीएड वालों को यहाँ से प्राइमरी से बाहर कर दिया था। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पड़ी हुई है, एक रिट याचिका है, तो उसका जब तक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक आपकी जो मार्कशीट है इनको यहाँ पे वितरण नहीं किया जाएगा। तो इसलिए प्राइमरी की मार्कशीट अभी वितरण नहीं की जा रही है। आशा करते हैं आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो केस है बहुत जल्दी आपका सॉल्व होने वाला है, जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है उसके बाद आपकी मार्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जूनियर की मार्कशीट कैसे मिलेगी। तो कैसे मिलेगी मैंने बता दिया, जूनियर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइएगा
अपनी जहाँ पे भी अपने एग्जाम दिया है और एग्जाम दिया वहीं पर जाइए डाइट में, और डाइट में जाकर के आप वहाँ संपर्क करेंगे तो आपकी मार्कशीट वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेने वाली है, मिलने वाली है, तो आप आराम से जाइएगा और अपनी मार्कशीट को ले लीजिएगा, संपर्क कर लीजिए अपनी डाइट से। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको बनाई हुई है, तो आप उसको जरूर से देख कर जाइए। देखिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपको जरूरत पड़ने वाली है, रजिस्ट्रेशन की प्रति, आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने जब फॉर्म डालते हुए करा हुआ था उस रजिस्ट्रेशन की आपको प्रिंट निकलवा के ले जानी है, प्रवेश पत्र की आपको प्रति निकलवा के ले जानी, जो आपका एडमिट कार्ड था जब आपने एग्जाम दिया था, मान लीजिए किसी कार्ड बस आपका जो एडमिट कार्ड था वो आपसे गुम गया है, आपको पता नहीं है, तो आप इस स्थिति में क्या करें। तो देखिए आपके पास पहले तो कोशिश करिएगा कि आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाए, नहीं तो इसके लिए देखिए जीमेल पर भी आपके जो एडमिट कार्ड थे उनको सेंड किया जाता है, आपने जीमेल डाली हुई थी तो उस पर भी आपका एडमिट कार्ड होगा, और नहीं तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर किस वजह से होगा, क्योंकि आपने मार्कशीट को डाउनलोड किया हुआ था, तो आप चले जाइएगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं भी है फिर भी वहाँ पे आपका इसको दे दिया जाएगा, आपको थोड़ा यहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो आपको फोटो ले जाने हैं, ठीक है, अपने दो फोटो लेते जाइएगा, लेटेस्ट फोटो लेते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे आपके को जो प्रमाण पत्र में आपकी जरूरत पड़ रही वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आपका तीन नंबर पे है हाई स्कूल और आपका अन्य प्रमाण। देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाइए, अंक पत्र का मतलब हो गया जो आपकी मार्कशीट हो गई, इसके बाद आप यहाँ पे प्रमाण पत्र की छाया प्रति ले जाइए, जो आपका प्रमाण पत्र है उसकी आपको एक फोटो स्टेट निकलवा के ले जानी है। ऐसे ही इंटरमीडिएट का आपको अंक पत्र ले जाना है और प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति आपको ले जानी है, ठीक है। अगर मार्कशीट और सनद आपकी अलग अलग है तो अलग अलग ही आप ले जाइएगा, अगर एक में ही है तो एक ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो स्नातक के अंतिम वर्ष की आपको मार्कशीट ले जानी है और उसकी छाया प्रति ले जानी है, ठीक है। छाया प्रति मतलब होगा उसका फोटो स्टेट आपको ले जाना है। इसी तरीके से अगर आपने बीएड करा हुआ था बीएड की मार्कशीट ले जाइएगा, और अगर आपने बीटीसी किया हुआ था तो अंतिम वर्ष की आपको अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको ले जानी है, ओरिजिनल मार्कशीट भी ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट भी आपकी देखी जाती है। क्योंकि मैं अपना खुद लेकर आया था यूपी डेट का मार्कशीट, तब मुझे खुद मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ अवगत करा दे रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी ले जानी है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पे देखते हैं, अगर आप नहीं ले जा रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आप सीधा फोटो से लेके चल दो भगलो तो वो मत करिएगा, ठीक है। आप जात प्रमाण पत्र आप ले जाइए, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से आपने पास किया हुआ था, जैसे एससी एसटी कैटेगरी से पास किया हुआ था तो आपको अपना जात प्रमाण पत्र ले जाना है, और अगर आपने जनरल किया हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन में अंकित पहचान पत्र छाया प्रति, तो रजिस्ट्रेशन में जो आपको मतलब जो अंकित छायाप्रति थी आपकी, यानी जो फोटो स्टेट थी, यानी जो आपने वो किया होता रजिस्ट्रेशन किया होता उसकी आपको छायाप्रति ले जानी है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है। देखिए तो ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त अभिलेखों की छायाप्रति को स्वयं प्रमाणित करते हुए यह प्रस्तुत करना है, तो आप खुद वहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, जैसे इस तरीके से ये आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड पे आप यहाँ पे प्रमाणित कर दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम पवन है तो इस तरीके से मैं अपना पवन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से अपना प्रमाणित कर दीजिएगा, ये स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटैच बोलते हैं इसे, तो सेल्फ अटैच आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो फिर आपकी मार्कशीट को वहाँ पे वितरण कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या प्रोसेस क्या होता है, पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो ले लिए जाते हैं। इसके बाद आपके लिए एक वितरण कक्ष होता है, तो वितरण कक्ष में आपको ले जाया जाता है, और वितरण कक्ष में आपका क्या करते हैं, इस तरीके से आपकी लाइंस बनी होती हैं, इस तरीके से बैठा देते हैं। यहाँ पे एक पूरा पैनल बैठा होता है, तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे जो आपके टीचर्स होते हैं वो यहाँ पे वितरण करते हैं, और यहाँ पे आपके साइन कराए जाते हैं, ठीक है, आपके साइन कराए जाते हैं, आप साइन करोगे उसके बाद ही आपकी जो मार्कशीट है उसको आपको दिया जाएगा, उसके बाद दे देंगे वो, उसके बाद आप चले जाइएगा, यहाँ पर जाकर के आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे खिड़की मिलेगी, इसी लाइन में लगे होगे तो लगे इस तरीके से, इसमें आपकी मार्कशीट लेकर के यहाँ पे प्रोसेस को अपनाया जाएगा और ये मार्कशीट यहाँ पे दे दी जाएगी। तो यहाँ पे सभी जो टीचर्स पैनल बना होता है वो पैनल पूरा आपका तैयार किया जाता है, उसमें आपकी साइन कराए जाते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आपको ये फर्जी अर्जी तो नहीं हो, इस तरीके का आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं वो, ठीक है।
तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है जब आपकी मार्कशीट दी जाती है किसी भी डाइट पर। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट पकड़ा उधर से पकड़ा दिया मार्कशीट, ऐसे नहीं आपका होता है, आपकी पूरी प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो मार्कशीट किस प्रकार की मिलने वाली है चलिए उसके बारे में बात करते हैं, और आपको उसका पूरा लाइव डेमो दिखाते हैं यहाँ पे। तो देखिए साथियों, इस तरीके से आपकी जूनियर यानी 6 से लेकर के 8 तक की आपकी मार्कशीट होगी, जिसे आप देख सकते हो। ये जो मार्कशीट है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलनगंज और प्रयागराज से इसको यहाँ पे देखिए पूरा आपका यहाँ से ये वितरित की जा रही है, यहाँ से ये आपकी भेजी गई है प्रिंट एंड निकलवा के आपका पूरा तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रोल नंबर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर देखने के लिए मिलेगा, ये आपका हेड कर दिया गया है, देखिए यहाँ रोल नंबर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आरक्षण आपको देखने के लिए, रिजर्वेशन जो कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी से पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हो तो ओबीसी लिखा होगा, एससीएसटी से हो तो एससीएसटी से लिखा होगा, यहाँ आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी होगी, इस तरीके से आपकी जो मार्कशीट है वो आपको मिलेगी। देखिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, बेसिक टू टॉप स्टडी हमारा चैनल है, यहाँ पे हर एक अपडेट आपको दे दी जाती है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये 2021 का है, जिसे आप देख सकते हो, टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उच्च प्राथमिक स्तर, यानी उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया 6 से लेकर के 8 तक वाला जो क्वालिफाई कर रहा है उसको यहाँ पे मार्कशीट को दिया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाणित, देखिए लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि श्री मती कुमारी जो भी हैं आपका, दिस सर्टिफिकेट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेज, और आपका ये सब जो दी जा रही है, पिता का नाम यहाँ पे दिया जाएगा, ये आपका पिता का नाम लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ पे मम्मी का नाम लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है ने 23 जनवरी 2022 को, देखिए 23 जनवरी 2022 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को उत्तीर्ण किया है। तो ये आपकी जो एग्जाम हुआ था उसको यहाँ पे जब आपका पास किया गया था उसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, जो एग्जाम होने के बाद आपका पास हुआ वो आपकी यहाँ पे एग्जाम बाई डेट लिखी हुई है, ये आपकी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था आपने। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 इज हेल्ड ऑन, देखिए आपका जो एग्जाम हेल्ड हुआ था वो आपका एग्जाम हुआ था कब, 23 जनवरी 2022 को। पूर्णांक यानी आपका 150 का था, 150 में से इन्होंने 114 मार्क्स लिए हुए हैं, तो वही 114 मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ही ऑब्लिक सी हैज स्कोर्ड, देखिए ये आपके 114 आपके मार्क्स इन्होंने लिए हुए हैं, तो वही आपके मार्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यूपी टेट जूनियर मार्कशीट है ये, आप देख सकते हो इसका पूरा यहाँ पे इस तरीके से। अनिल भूषण चतुर्वेदी आप देख सकते हो सचिव जी हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिनांक डेट 8/4/2022 को ये जो आपकी यहाँ पे प्रिंट करी गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेस प्रयागराज, तो प्रयागराज से ये वितरण किया गया है। तो आप क्या करेंगे, अपनी डाइट में चले जाइएगा, अभी आपके पास टाइम है पूरा। तो आज आपकी तारीख हो गई है 11, ठीक है, तो 11 तारीख हो गई है, इसके बाद आपका ये 14 तक चलेगा, तो आपके पास अभी दिन है, तो आप जाइए आराम से अपनी मार्कशीट को ले आइएगा, ठीक है। तो आपको ये मार्कशीट इन कार्य दिवस के अंतर्गत तो आपको मार्कशीट मिल जाएगी, ये आपके पूरी मार्कशीट का आपका प्रारूप है, आप जिसे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, इसी तरीके की आपकी मार्कशीट देखने के लिए मिलेगी। ओके, मैंने आशा करता हूँ मैंने इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, हर एक इन्फॉर्मेशन से अपडेट किया है, और ऐसी ही अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। मेरा यहाँ पे मकसद ये रहता है दोस्तों कि मैं आपको सही से पूरी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दूँ, चाहे वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देख कर जाओगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वीडियो देख लोगे तो आपको वहाँ पे जा जाके दिक्कत नहीं होगी, और नहीं देखोगे वीडियो ऐसे ही चले जाओगे मुँह उठा के तो उधर से भगा देगा, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले गए हो, कुछ दिक्कत है तो वहाँ से भगा देगा, आराम चले आना घर पर फिर टंडन गणेश होते हुए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही आपका सब कुछ है, ठीक है। अगर आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आप जाकर के वहाँ पे आप सीधे उठ के चले जाओगे और वहाँ से लौट आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। और देखिए हमारे चैनल को आप अगर B2TS इस तरीके शॉर्ट में डालते हो तो भी हमारा आपको चैनल देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप जरूर से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अगर आपको शॉर्ट में वीडियो चाहिए तो B2TS शॉर्ट्स डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। ओके, तो ओके, थैंक यू, और वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, थैंक यू।